हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है उत्कर्ष, ये है हमारे साथ, क्या नाम है आपका, शिवाय। तो आज हम जा रहे हैं अनबॉक्सिंग करने दोस्तों इतने ऑसम प्रोडक्ट की, जो कि आप देख सकते हो न्यू बॉर्न बेबी का जो वॉकर है, यानी कि बच्चा जब चलना सीखेगा तो वो इस वॉकर से स्टार्ट कर सकता है और इससे चलना सीख सकता है। और जब वो चलना सीख जाए दोस्तों तो ये वेस्ट नहीं जाएगा, ये कन्वर्ट कर सकते हो आप टेबल के अंदर भी। और ये वाला दोस्तों जो कंपनी का प्रोडक्ट है आप देख सकते हो, ये है हुएंगर कंपनी का, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट बनाती है। और जो भी इक्विपमेंट इसमें यूज हुए, जो भी प्लास्टिक यूज हुई है, वो पूरी टोटली फूड ग्रेड है दोस्तों, और सेफ्टी पर्पज से 110% सेफ है बच्चों के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा इसके बॉक्स पे क्या लिखा है, फिर इसको असेंबल करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे चलता है। शिवाय बड़ा है, चलना आता है, लेकिन फिर भी हम इस पे ट्राई करेंगे क्योंकि छोटे बच्चों की हमारे पास कमी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों आप बॉक्स पे फ्रंट साइड पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बच्चा दिखाया हुआ है छोटा सा, और ये 12 मंथ्स प्लस के लिए है दोस्तों। यहाँ पे ये बच्चा चलना सीख रहा है। अब आप सोचोगे यार ये चलना कैसे सीख सकता है, यहाँ पे तो व्हील्स लगे हैं, ये तो एकदम से भाग जाएगा पूरा वॉकर। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, इसके जो व्हील्स हैं उसमें रेजिस्टेंस है, वो इतनी जल्दी इजी मूवमेंट नहीं करते, वो बहुत ही हार्ड मूवमेंट करते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे आप टेबल भी देख सकते हो, यहाँ पे एक म्यूजिकल चीज भी लगी हुई है, ये जब हम खोलेंगे तब हमारे को पता लगेगा। और ये आता है पूरा कार्डबोर्ड अटैची टाइप के बॉक्स में, और आप देख सकते हो पीछे इसका पूरा डिस्क्राइब करा गया है कि कैसे कैसे हमारे को ये पूरे को इंस्टॉल करना है। तो अब बिना किसी देरी के दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं बाहर, शिवाय को बिठा देता हूँ मैं साइड में, शिवाय इधर बैठ जाओ, और ये निकाल लेते हैं बॉक्स से बाहर। तो यहाँ से हमने बॉक्स खोल लिया है शिवाय, अब आराम से खोल के निकाल लेते हैं इसे बाहर। बहुत सारी चीजें हैं और बॉक्स हो गया है खाली। रुक जा। तो दोस्तों ये रही सारी चीजें जो हमारे को इसमें मिलती हैं, तो एक एक करके मैं बाहर निकालता हूँ। शिवाय देखो चलना सीख चुका है फिर भी इतना एक्साइटेड है। तो ये रहा हमारा जो वॉकर होता है ना, वॉकर उसका ये फ्रंट का, हाँ ये पहिया है, ये हमें मिलता है, इसके सपोर्टिंग व्हील्स मिलते हैं, ये हैंडल मिलता है, ये एक और व्हील मिलता है हमारे को, और टेबल बनाने के लिए दोस्तों ये हमारे को इसकी लेग्स भी मिलती हैं। ये लेग्स भी बाहर निकालनी, ये बॉल है और ये म्यूजिक सिस्टम टाइप का कुछ है। ये वाला बॉक्स भी दोस्तों हमने कर दिया खाली, इसको भी रख देता हूँ साइड में। अब एक काम करते हैं शिवाय, बस्ती है, इनको भी रख देते हैं साइड में, और ये भी निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से बाहर। ये इलेक्ट्रॉनिक चीज है दोस्तों इसके अंदर, वो है ये, आप देख सकते हो इसमें सेल लगाने, और ये सेल लगा के यूं चलेगी। इसमें मैं सेल भी लगा लेता हूँ, इंस्टॉल कर लेता हूँ। और कुछ स्टिकर्स भी मिलते हैं दोस्तों इसको चिपकाने के लिए, वो हम देखेंगे कहाँ चिपकाना है। अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले लगा लेते हैं सेल। तो दोस्तों ये रही सारी चीजें, शिवाय भी अपने उसमें लगा हुआ है, इस टायर से खेल रहा है। तो सबसे पहले ना इसमें इजी जो है वो मैं आपको बता के दिखा देता हूँ। इसको टेबल बना के दिखाना दोस्तों सबसे ज्यादा इजी है, आप देख सकते हो इसमें चार नीचे कैविटी दी हुई है। तो हमारे को क्या करना है टेबल बनाने के लिए, सिर्फ इनको सही जगहों पे बस प्लेस करना है और ये बन जाएगी हमारी टेबल। तो आप देख सकते हो जैसे ही बच्चा चलना सीख जाए, उसका ये वॉकर का यूज खत्म हो जाए, तो वो ये वाली टेबल पे भी खेल सकता है। इसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हो ये वाली चीज है, बच्चों को ये भी पसंद आता है कि इसमें बॉल्स उड़ रही है, ये शेप्स है इसके अंदर, देखो कलर अलग है, तो बच्चा शेप्स को समझ सकता है कि ये स्टार की चीज है, ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, वो इसमें लगाएगा और इसको ऑन करके भी वो इस पे प्ले कर सकता है, आप देख सकते हो। तो और यहाँ से ये आप इसको ऑफ कर सकते हो, इनसे बच्चा खेल सकता है, गियर मैकेनिज्म्स सीख सकता है दोस्तों। ये देखो कि इसके एक रिवॉल्यूशन में ये कितनी बारी घूम रहा है, तो बहुत सारी चीजें बच्चा सीख सकता है। और एक ये बटरफ्लाई है, ये इधर इधर कर सकता है बच्चा। तो बेसिकली ये नॉर्मल चीजें हैं, सीख गए, वेरी गुड।
तो नॉर्मली ये चीजें हैं दोस्तों जो बच्चा आराम से सीख सकता है। और आप सोच रहे होगे इसका क्या काम है, इसमें आप देख सकते हो ये है एक तरीके से बास्केटबॉल टाइप, तो ये इसमें ऐसे फिट हो जाता है, इसके साथ आती है बॉल, तो बच्चे को इसमें डालना होगा और ये इसमें जाएगी। तो एक तरीके से बास्केटबॉल भी बच्चा बचपन से ही सीख सकता है, और ये स्टैंडिंग पोजीशन में आप वॉकर पे ही लगा के इंस्टॉल कर सकते हो। तो रही बात दोस्तों इस टेबल की, अब ये टेबल तो हमने देख ली कि किस तरीके से मींस बनती है, अब हम जाते हैं और बनाते हैं वॉकर को। ठीक है, अभी मैं बेटा जब खड़ा करके कहूंगा ना दूर से फेंको फिर देखूंगा। बनाने जा रहे हैं वॉकर जिससे शिवाय खेल रहा है, देखो वो तो इसको स्केटबोर्ड बना के खेल रहा है, लेकिन हम इसको लेते हैं दोस्तों और इसमें हमारे को सिर्फ ये अटैच करना है, तो वो मैं अटैच कर देता हूँ, सिर्फ हमारे को इसमें लगाना है दोस्तों और इसको प्रेस कर देना है, और ये लॉक इजी है इसमें और ये इसमें अटक जाएगा, आपने देखा कितना इजी था। और इनको भी मैं इनकी जगह पे ही लगा देता हूँ। तो ये रही दोस्तों चीजें, अब हमारे को लगानी है ये वाली लेग्स इसके अंदर, आप देख सकते हो इस तरीके से लगनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको चीज बता दूं, इसके साथ आती है सिलिकॉन वाली कैप्स, इसके अंदर भरना है हमारे को पानी, तो पानी भर सकते हो दोस्तों इसके अंदर, जिससे कि क्या होगा ना ये हैवी हो जाएंगी लेग्स इसकी, और जिससे कि क्या होगा दोस्तों ये हो जाएंगी लेग्स हैवी इसकी पानी भर के, और फिर हम ये लगा देंगे सिलिकॉन की कैप इसको थोड़ा खींच के, और उसके बाद फिर हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, देखा दोस्तों आपने। और ये इंसर्ट तो कर दिया दोस्तों हमने, लेकिन उसके बाद हमारे को मिलते हैं प्लास्टिक के स्क्रूज, आप देख सकते हो यहाँ से भी हम स्क्रू लगा सकते हैं। अब सेम हम ऐसे ही क्या करेंगे कि ये वाली लेंगे लेग और इसको भी हम ऐसे लगाएंगे, ये हमने दो बारी कसा और ये हो गया टाइट, बहुत ही अच्छी तरीके से टाइट हो गया। अब दोस्तों ये बच्चे को देने से पहले हमारे को एक चीज और ध्यान में रखनी है, ये लॉक मैकेनिज्म, अगर हम पीछे की साइड इसको करेंगे तो ये व्हील्स फ्री रहेंगे, आप देख सकते हो ये व्हील्स फ्री हैं, लेकिन आप चाहते हो कि बच्चा अगर इसको राइड करेगा तो हम इनको कर देंगे टाइट, इस सेकेंड मोड पर ले आएंगे तो इसके अंदर ना थोड़ी सी स्टिफनेस आ जाएगी, आप देख सकते हो। अभी भी कोई डाल देगा, यहां से बैठ के डालो तीनों इसमें ऐसी डाल दी, ऐसे नहीं रुको, इसको करते हैं दूर, अब यहां से देखो ऐसे निशाना लगाओ, यूं करके देखो नहीं गई ना, और दूर चली गई, देखो दूसरा निशाना लगाओ, मैं मेरे से भी नहीं लग रहा, हटा हटा हटो तो पास से छोड़ था दूर से तो गई, ओ ये भी नहीं गई, भागो भागो पकड़ लो। नहीं नहीं सीधे ही तो है, इसको निकाल के भी बता सकते हो, अब ये वाली शेप्स लगा दो इनमें, ठीक है अभी शेप्स लगाओ, स्क्वायर है, स्क्वायर किसमें जाएगा, धागा आ रहा है, धागा तो हटा नहीं जाए, ऐसे लगा धागा पीछे करके, चलो धागा हटा के लगाओ, धागा हटा के बेटा इसको हटा के लगाओ, ऐसे
सर्कल लगाओ वेरी गुड हाई फाइव ये लो दोस्तों आपने देखा कितना अमेजिंग प्रोडक्ट है। बच्चा इसमें चलना भी सीख सकता है और इसको टेबल बना के इसमें खेलना भी सीख सकता है। इसमें ये वाली जो चीज है दोस्तों ये साइड में भी अटैच हो जाती है तो बच्चा इस टेबल पे भी खेल सकता है, बास्केटबॉल के मजे ले सकता है। अगर आपको भी ये वाला प्रोडक्ट दोस्तों अच्छा लगा तो जाइए डेविल डील्स पे, बहुत ही अमेजिंग प्राइस पे आप इसको परचेज कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि इस चैनल पे आती है बहुत ही अमेजिंग वीडियो। See you in next video, दोस्तों। Till then, bye-bye.